हेलो गाइस, वेलकम टू पूर्णिमा सर प्रतिभा। तो मैं आज एक क्राफ्ट करने वाली हूँ। तो मैं कौन कौन से मटेरियल यूज़ किया है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैं A4 साइज़ की कलरिंग पेजेस, ग्लू, रूलर, सीजर और पेंसिल यूज़ किया है। पहले तो मैं पेपर को 5 हिस्सों में काटूंगी। 5 हिस्सों में काटने के लिए मैं हॉरिजॉन्टली 5 सेमी और वर्टिकली 13 सेमी लेकर इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। इसके बाद मैं काट लूंगी। पेपर को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको काटूंगी। पेपर की एक एक हिस्से को मैं पहले तो फोल्ड करूंगी, उसके बाद उसकी दोनों कोन को मैं ट्रायंगल शेप दूंगी। फोल्ड करने की बाद इसको मैं अब खोलूंगी। अब मैं इस दोनों को पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। पीछे की तरफ से फोल्ड करने की बाद मैं फिर से कागज़ को फोल्ड करूंगी दोनों तरफ से, ताकि कागज़ मिडिल पोर्शन पे आके मिल सके। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं और एक कागज़ के ऊपर फोल्ड करके दिखा देती हूँ। एक ही प्रोसेस का अप्लाई करके आप लोगों को 5 ऐसे फोल्डेड पेपर तैयार कर लेना है। फोल्डेड पेपर को एक साथ करके उसके ऊपर ग्लू लगा के एक कागज की मदद से बांध लूंगी। एक ही प्रोसेस का अप्लाई करके 2 ऐसे फोल्डेड पेपर बना लेना है। दोनों ही फोल्डेड पेपर को और एक कागज़ की मदद से बांध लूँगी। पेपर को बांध लेने के बाद इसको एक क्रॉस शेप में कन्वर्ट कर लेना है और एक एक पेपर को ऊपर की तरफ उठा देना है।
लोगों को जल्द ही समझ में आ जाए, इसलिए मैं आप लोगों को और एक बार दिखा देती हूँ। देख सकते हो इस नई टेक्निक से कितनी अच्छी रोज बन सकती है। मैं ग्रीन पेपर काट के रोज की पत्ते और डाल को बनाऊंगी। डाल को बनाने के लिए सिंपली पेपर को फोल्ड करके उसको ग्लू से चिपका दीजिए। पत्ता बनाने के लिए पहले तो मैं इसको पेपर में ड्रॉ करूँगी, उसके बाद उसको मैं काट लूँगी। काट के मैं इसको डाल के साथ चिपका दूँगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।